जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे सभी सैनिक भाइयों को। आज की एक सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, वो सुनने में आ रही है कि जो सैन्य नर्सिंग सेवाओं में महिलाओं के लिए 100% जो आरक्षण था वो असंवैधानिक माना गया है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली माना गया है। इसके ऊपर बहुत लंबे टाइम से चर्चा चल रही थी, विवाद चल रहा था कि औरतें, हम मानते हैं कि उनको पूरा हक मिलना चाहिए, जो चीज़ें वो डिजर्व करती हैं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि औरतों को मर्दों से ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए या मर्दों को औरतों से ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए। यही चीज़ें लिखी गई हैं कि दोनों को इक्वल माना जाए हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर करियर में, चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो या कहीं पे भी वो जाते हैं, दोनों को समान दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी हाल ही में ये जो एक चर्चा इस चीज़ के ऊपर निकल के आई थी कि औरतों को जो है पूरा 100% आरक्षण मिलेगा नर्सिंग मिलिट्री वाले में, इसको बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके अगेंस्ट थे कि इस तरीके की चीज़ क्यों हो रही है, औरतों को ज़्यादा दर्जा क्यों मिलेगा, उनको 100% रिजर्वेशन क्यों, अगर उनको पहले नीचे समझा जाता था, उनको चीज़ों जो डिजर्व करती है उनको मिलती नहीं थी, तो उनको जो हर एक औरत जितना डिजर्व करती है उनको उतना ही मिलना चाहिए। मर्दों के साथ कम होता है, वो जाके कुर्बान हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, देश के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं, फिर भी उनको पेंशन कम मिल रही है, उनको सैलरी कम मिल रही है, और औरतों को उनसे अब ज़्यादा मिलने लग गई है। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि उनको ज़्यादा क्यों मिल रही है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनको भी इक्वल ही मिलनी चाहिए। अगर ये बोला जाता है कि लड़का लड़की एक समान, मर्द औरत सब एक समान, तो उनको ज्यादा क्यों और दूसरे को कम क्यों, दोनों जेंडर को इक्वल मानना चाहिए। तो इसके ऊपर हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा पूरा नोटिस आया है और चीजें बोली गई हैं कि ये जो था नर्सिंग मिलिट्री वालों को कि लड़कियां जो है उसमें आएंगी उनको 100% रिजर्वेशन मिलेगी, यानी हर लड़की को मौका मिलेगा, चाहे कैसे भी हो जाए वहां तक पहुंचने का उसको मौका मिलेगा। तो उसके ऊपर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया है जिसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहती हूँ कि अदालत ने कहा है कि जो संविधान के तहत महिलाओं को एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल लिंग के आधार पर उनको 100% रोजगार आरक्षण हो सकता है। सबसे पहले आप जो ऑर्डर आया है, यानी कि हाई कोर्ट से जो स्टेटमेंट सामने आई है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि औरतों को ये जो 100% रिजर्वेशन वाला सिस्टम चलता आ रहा है कि उनको मिल जाएगा, औरतें चाहे कुछ भी कर लें, मतलब उनको हर चीज़ में उनको अब आगे रखा जाने लगा है, ये चीज़ आप लोगों को सही लगती है कि नहीं? औरतें भी डिजर्व करती हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्दों से ज़्यादा उनको हर चीज़ में वैल्यू दी जा रही है और मर्दों को पीछे कर दिया जाए, या फिर सिर्फ मर्दों को हर चीज़ में वैल्यू दिया जाए और औरतों को पीछे कर दिया जाए, दोनों को इक्वल मानना चाहिए। और कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है वहां से सैन्य नर्सिंग सेवाओं में महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े द्वारा जारी ये फैसला ये जो हुआ है उसको संबोधित करते हुए आया है कि जिसमें 1943 के जो सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश की धारा 6 में बताए गए आरक्षण को चुनौती दी गई थी और अदालत ने भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 15(3) जो है उसके आलोक में आरक्षण की संवैधानिकता की जांच करी है, जो महिलाओं को और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, और अनुच्छेद जो 16(2) है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 16(2) वाला है, जो धर्म, लिंग और आधारों पर भेदभाव को रोकता है। और कर्नाटका की अदालत से ये भी सुनने को आया है कि अदालत ने कहा है कि 1943 का जो ऐतिहासिक संदर्भ है जिसके लिए सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का प्रावधान की आवश्यकता हो सकती थी, अब मौजूद नहीं है। पीठ ने कहा कि 1943 में जो आपातकाल था वह अब नहीं है और ये मानते हुए कि अध्यादेश को महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाया गया था, महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को उचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब आप लोग इस बात से, इस ऑर्डर से जो हाईकोर्ट का आया है सुनने में, कर्नाटका के कोर्ट से जो सुनने में आया है, कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मर्द
औरत लड़का लड़की एक समान, ये नारा भी हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, खासकर कि बीजेपी के आने के बाद से ही इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा उठी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर चीज में औरतों को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। दिल्ली में तो औरतों के लिए बस की जो टिकट्स हैं वो भी फ्री हैं कि उनको टिकट्स तक लेने की जरूरत नहीं है, और हर चीज में औरतों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, उनको उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन मर्दों से आगे या मर्द उनसे पीछे हो जाए या मर्द औरतों से आगे चले जाए, ये इस चीज पे आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस खबर का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि ये जो 100% नर्सिंग मिलिट्री का विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों को हर चीज में 100% रिजर्वेशन मिल जाए और मर्दों को ना मिले। तो ये चीज इतनी बड़ी खबर सामने आई है, तो आप सभी को शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके, सब इसके बारे में जान सके। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।